हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये जो हमारी चर्चा आपके साथ चल रही है, ये आपके मासिक लव राशिफल को लेकर के चल रही है और ये मासिक लव राशिफल फरवरी 2022 का है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हम राशिफल आपसे जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से लग्न राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो आप अपने जन्म पत्रिका को खोल करके देखें और उसमें ये आपको पता लग जाएगा कि आप किस लग्न के जातक हैं। उसी लग्न की जब हम चर्चा करेंगे राशिफल की, तब आप उसको सुने तो वही चीज़ें आपके ऊपर फिट बैठेंगी। तो ये हमारा आपसे कहना है। तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं जो कुंभ लग्न के जातक हैं, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके मासिक लव राशिफल फरवरी 2022 के लिए। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो सिंगल जातक हैं, जिनका अभी तक कोई साथी मित्र नहीं बनाया या उन्होंने बनाने में इंटरेस्ट नहीं लिया या किसी भी कारण से नहीं बन पाया, उनके विषय में बताएंगे कि ये माह जो है फरवरी का उनके लिए कितना इस मामले में हेल्पफुल रहेगा या ग्रहों की स्थिति नहीं रहेगी उनके अनुसार। उसके बाद जो लव रिलेशनशिप में है, लव अफेयर्स में है, उनके विषय में बताएंगे कि ये माह उनके लिए कैसा रहेगा। अगर आप कोई मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या ये संभावना है और कितनी है कितनी नहीं है, ये भी इसके विषय में बात करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे जो पहले से ही विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है इस पूरे महीने फरवरी 2022 में। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि जो जिनके मैरिड हैं वो, और उनके कहीं और दूसरी जगह भी कुछ रिलेशनशिप डेवलप हो चुकी है या हो रही है या वो इंटरेस्टेड है, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कह देते हैं, उसकी स्थिति कैसी रहने वाली है, इसके विषय में भी हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। और फिर अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे कि भाई पहले आपकी रिलेशनशिप थी, किसी वजह से आप कारण से आप अलग हो गए और मिलना हो नहीं पाया, अब आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि भाई हम दोबारा मिल पाएँ, मिलें, उसके लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं या उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो क्या ये संभव हो पाएगा इस महीने में। तो इन सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले सिंगल जातकों के विषय में तो मैं बताना चाहूँगा प्रिय मित्रों आपको जो कुंभ लग्न के जातक हैं, कि इस फरवरी 2022 में आपके विचार तो मिले जुले रहेंगे। मिले जुले का मतलब बहुत अच्छी सोच भी रखेंगे आप, पॉजिटिव रहेगी सोच आपकी इस ओर, और थोड़ा रोमांटिक भी रहेंगे आप। रोमांटिक का मतलब ये है कि कोई आप अपने मन ही मन किसी को पसंद भी कर सकते हैं। मैं सिंगल जातकों के विषय में बात कर रहा हूँ, किसी को पसंद भी कर सकते हैं या पसंद कर लिया है। अब बात आती है कि आगे कदम बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए, या आप बढ़ा चुके हैं। तो देखिए, इस महा जो ग्रहों की स्थिति है वो ये कहती है कि आप अगर किसी को पसंद वाकई कर चुके हैं और आगे आप उनको प्रपोज करना चाहते हैं, तो देखिए ये प्रपोजल एक्सेप्ट तो आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ स्थिति दूसरी दिखाई दे रही है। दोनों प्रकार की स्थिति हैं कि मतलब आप थोड़ा सा, एक तो जल्दबाजी ना करें, मैं यहाँ आपको थोड़ा सुझाव देना चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, आराम से, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी की और ये सामने वाले को पता लग गया कि आप कुछ जल्दी करने के इच्छा रखते हैं, जल्दबाजी, तो हो सकता है कि वो आपके सेंटिमेंट्स का लाभ लेने की कोशिश करें, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। वो आपका जो मित्र है, और कहीं वो आपका अधिक फायदा ना ले पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति, हम जो इशारा कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे हमारी बात को, एक मित्र बनाना, साथी बनाना, उसको प्रपोज करना, ये कोई गलत बात नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कहीं वो आपके सेंटिमेंट्स और आपके इमोशंस का कोई फ़ायदा तो नहीं उठाने की कोशिश कर रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ दोनों प्रकार की स्थिति, मैंने कहा था कि इस प्रकार की भी स्थिति है कि ऐसा हो सकता है, संभावना है, और साथ ही दूसरी वो भी संभावना है कि आप विवाह भी संपन्न कर सकते हैं, इसकी भी संभावना, लेकिन ये विवाह जो संपन्न कर सकते हैं इसमें दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, परेशानियां हैं। हालांकि ये योग जो बन रहा है विवाह का, ये 1 तारीख से लेकर फरवरी की और 12 तारीख तक के बीच का ही है, इसके बाद नहीं है फिर, लेकिन इसमें भी परेशानियाँ ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा, बात आगे हुई कि फाइनल हो गई, शादी हो गई,
चटमंगनी पट ब्याह वो वाली स्थिति नहीं है। विवाह एक योग तो बना हुआ है विवाह का, लेकिन उस विवाह में भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। तो यहां ये बात आपको समझनी होगी। दूसरी बात करते हैं जिनके रिलेशनशिप है, जो पहले से ही जिनका अफेयर चल रहा है कहीं, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है इस महीने, और अगर वो कहीं प्लानिंग कर रहे हैं विवाह करने की भी थोड़ा गंभीरतापूर्वक, तो क्या इसकी संभावना है। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं साथियों कि विवाह का जो योग है सभी के लिए, जो भी करना चाहते हैं, 1 तारीख से 12 तारीख के बीच का है, फरवरी में। लेकिन ये जो योग जो है इतना आसान नहीं है कि आप एकदम आपने दोनों जनों ने बात कर ली और डिसाइड कर लिया और शादी हो गई। इसमें कुछ परेशानियां पैदा करने वाले भी लोग होंगे, अड़चने डालने वाले भी लोग होंगे। अगर आप उन परेशानियों से पार कर गए तो विवाह संपन्न हो ही जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो विवाह का तो योग है, लेकिन उसमें परेशानियां भी बीच में हैं, बाधाएं भी हैं, ये भी हमें समझना होगा। आगे बात करते हैं जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है आप विवाहित महिला पुरुषों के लिए कि जो भी कुंभ लगन के जातक हैं उनका फरवरी 2022 का जो वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छा निकलने वाला है। आपके बीच की इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, एक दूसरे के प्रति आप कमिटेड रहेंगे और बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, बहुत अच्छा उसका आप वैवाहिक सुखों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी परेशानी के। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके अगर पहले से ही हैं तो उसका भी आप पूरा आनंद लेने वाले हैं इस महीने, और अगर नहीं है, बनाना चाहते हैं, तो वो बन भी जाएंगे और उसका आप लाभ ले पाएंगे। लेकिन इसमें ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो बात हम कर रहे हैं, इसमें क्या है कि ये मित्रता जो है ये आपकी फिजिकल रिलेशनशिप में इस महीने परिवर्तित हो सकती है, इस बात की बहुत प्रबल संभावना है। अब ये आप पर निर्भर करेगा कि आप कितना इसमें आगे जाते हैं या कितना नहीं जाते हैं, कितना सूझबूझ से काम लेते हैं, कितना इसको उचित समझते हैं, कितना अनुचित समझते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, लोग रखते हैं, मित्रता रखते हैं शादीशुदा जिंदगी के बाद भी, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ इसीलिए रखते हैं कि भाई फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से, बहुत लोग इसलिए रखते हैं कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, मित्रता है लंबे समय तक चलती रहेगी, क्या दिक्कत है। तो इसमें अब ये चीज़ कौन सा रास्ता आपने चूज़ करना है, ये आप डिसाइड करना है। हमने आपको बता दिया कि संभावनाएं किस किस चीज़ की हैं। अंत में बात करेंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मतलब कि पहले उनके कभी रहे थे कॉन्टैक्ट आपस में एक दूसरे के साथ, लेकिन लंबे समय से वो किसी कारणवश दूर हो गए, लेकिन अब अगर उनके में से दोनों में से किसी के भी एक के दिमाग में ये बात है कि मैं दोबारा उनसे संपर्क साधूँ और उनके साथ दोबारा रिलेशनशिप को अपनी डेवलप करूँ, तो क्या इसकी संभावनाएँ हैं। बिल्कुल हैं, संभावना तो है, और ये रिलेशनशिप जो है लेकिन 12 तारीख तक ही हैं। लेकिन ये इसमें आपको देखिए इतना भी कहना चाहेंगे कि ये जो रिलेशन जो आप आएंगे एक दूसरे के करीब, तो ये करीब आने में भी समस्याएं रहेंगी, या तो आपकी कुछ बातों में कुछ ऐसी परेशानी, बातों के कारण कोई खड़ी हो जाए आपके बीच में, कुछ ऐसा बोल दें जाने अनजाने आपके मुँह से निकल जाए, जाने अनजाने दूसरे आपका जो साथी है उसके मुँह से निकल जाए, तो कोई बीच में कड़वाहट हो जाए, कोई तनाव हो जाए, ये भी संभव है। और ये भी संभव है कि आप नज़दीक आएँ, और नज़दीक आएँ इसलिए कि भाई अब हम विवाह कर लेते हैं, बहुत टाइम पहले हमारी रिलेशनशिप थी लेकिन हम एक दूसरे को नहीं समझ पाए, अब हम एक दूसरे को समझ पाए हैं अलग रह करके, तो अब हम चाहते हैं कि आपस में विवाह कर लें। तो विवाह भी अगर आप करेंगे तो उसका योग 1 तारीख से 12 फरवरी तक ही है, 1 फरवरी से लेके। और ये विवाह का भी जो योग है इसमें भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि आप डिसाइड कर लेंगे चीज़ें हो जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखिएगा, उन परेशानियों को भी फेस करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है ये भी आपको देखना है। अब हम आपको सिर्फ उपाय दे सकते हैं, उपाय इसलिए दे सकते हैं कि देखिए, एक तो आप कुंभ लगन के जातकों के ऊपर चल रहा है शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, तो अब क्या करना है, शनि के वार के दिन शनि मंदिर में जाएँ, वहाँ पर शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें, वहीं बैठ करके आप शनि देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और या फिर शनि 40 का पाठ कर सकते हैं वहाँ पर, और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यही आपने मंगलवार के दिन भी करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के सम्मुख जाएं प्रतिमा के, और वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और वहीं पर बैठ करके आप पूजा करें हनुमान जी की, हनुमान 40 का पाठ करें, हनुमान स्तोत्रम कर सकते हैं,
और बजरंग बाण करें। बजरंग बाण आपके लिए बहुत आवश्यक है ताकि जो विवाह के बीच में जो समस्याएं हों वो दूर हो जाएं, हनुमान जी उनको दूर कर दें। हनुमान जी तो मिलाने वाले हैं, बिछड़ों को मिलाते हैं हनुमान जी, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूजा जितनी करेंगे उतनी आपकी बाधाएं दूर होंगी। और आप, और ये काम एक से बारह के बीच का है, ये बता चुके हैं हम आपको, योग जो बन रहा है विवाह का। और तीसरा, आपने सूर्यदेव को प्रतिदिन जल जरूर दें, स्नान आदि से निवृत्त हो गए। ये बस ये आप कार्य करते रहें, देखिएगा फिर कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो साथियों, ये था आप कुंभ लगन के जातकों का मासिक लव राशिफल फरवरी 2022 का। आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही जो आप बेल आइकन देख रहे होंगे, इसको अगर आप दबाएंगे तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे ज्योतिष से संबंधित भिन्न भिन्न कार्यक्रम तैयार होते हैं वो भी सीधे आप तक पहुंच पाएंगे, उनका भी आप सीधे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।